आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला में 22 दिसंबर को महेश्वर कश्यप की हत्या के बाद गांव में आक्रोश की आग आज तक नहीं बुझी है। मृतक के परिजनों ने सोमवार को पामगढ़ विधायक इंदु बजारे के नेतृत्व में एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि हत्या के आरोपी राजनीतिक पकड़ वाले हैं। वे हत्या कारित करने के बाद पुलिसियां जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ ऊपर तक है। इसलिए मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी अजय कुमार वर्मा व 11 गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साक्ष्य से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे जांच की जाए ताकि आरोपियों को आजीवन कारावास हो। ज्ञात हो कि 22 दिसंबर की रात को 8 बजे पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कोसला में रौताही मेले का आयोजन था, जिसमें पेंडरी निवासी अजय कुमार वर्मा, विजय वर्मा, जितेंद्र वर्मा, मिथिलेश वर्मा एवं ताराचंद कश्यप एवं सूरज कश्यप ने एक राय होकर चाकू एवं धारदार हथियार से महेश्वर कश्यप, दिलीप कंवर, राजेश्वर सिंह कंवर एवं कलीराम यादव को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था। चारों की हालत गंभीर थी। आखिरकार महेश्वर कश्यप की मौत हो गई। युवक की हत्या होने के बाद आज भी गांव में तनाव का माहौल है। घटना में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए एवं घायल के परिजनों को 20-20 हजार रुपए राज्य शासन की ओर से मुआवजा प्रदान किया जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन करने विवश होंगे। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चुबेरो राय सागर की रिपोर्ट। मृतक का बड़ा भाई, ये हम नारायण एसपी ऑफिस, हमार भाई के जो हत्या करे अपराधी तेला फांसी के सजा या आजीवन कारावास, और हमार छोटे भाई जो रिसे कमाने वाला रिसे हमार माँ बाप तो वैसने, तो हम अल्लाह चाहिए मुआवजा। और जो घायल भाई है वह मल्ला इलाज पानी के लिए चाहिए, का बाकी गरीब परिवार से है सब, इतना इतना खर्चा आते हो मन की इलाज पानी में तेकर सीमा नहीं है। घर खेत बेचे पड़ जाही तो माँ बाप भूखा मर जाही, ऐसे का मुआवजा चाहिए हमला। कि मृतक के घर वाला ला 50 लाख और हर जितना घायल भाई है वाला 20-20 लाख रुपए के मुआवजा चाहिए। अगर प्रशासन तरफ से आपको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और जितना भी कुछ हो सकेगा हम लोगों से, गाँव वालों से, सब गाँव वालों के सलाह है हम लोगों के पास, चक्का ही जाम करेंगे। कश्यप, मैं यहाँ आया था, मेरे भतीजा का हत्या कर दिया गया है, जिसका मुआवजा राशि मेरे को चाहिए। वो तो अपनी ज़िंदगी से गया और अपने परिवार को साथ में छोड़ गया, वही तो कमाने वाला था एक, मुझको उसका मुआवजा चाहिए। और जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अभी किसको ज्ञापन दिया? मैं अभी पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन दिया हूँ, लिखे हैं कि हमको मुआवजा चाहिए और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए या हमें आजीवन कारावास होना चाहिए। पुलिस विभाग के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ये मतलब बोल रहा है कि पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि ये हो जाएगा, सब आरोपी गिरफ्तार में है। पर दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के दौरान आरोपियों के द्वारा कुछ ग्रामीणों को चाकू मार दी गई थी, जिसमें से एक ग्रामीण की हत्या हो गई थी और चार लोग मतलब इंजर्ड हो गए थे। उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, और उसी की ये लोग मांग करने के लिए भी ग्रामीण लोग उपस्थित हुए थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जबकि मामले में पूर्व में ही गिरफ्तारी की जा चुकी है।